स्टूडेंट, आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें ध्यान देना है, तीन तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक जो हम लोग पहले से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उस बेस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और दूसरा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, और तीसरा हमारा एक टॉप टाइप होगा जिसमें हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड पर द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम समीकरण का हल निकालेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर्मूले बेस्ड पर। जैसे फॉर्मूला हमारा रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, और एक और रहेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बेस पे रहेगा जो हम ब्रेकेट ओपन करने पर ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे कि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में जितने समीकरण हमारे रहेंगी उनकी मैक्सिमम घात क्या होगी, दो होगी, तो इसकी घात दो होगी, तो हमें हर समीकरण में क्या करना है, घात हमें जो मिलेगा उसकी घात मैक्सिमम दो होगी। हमें दो चीज़ें करना होगा, पहली चीज़ जैसे पूछ लेगा समीकरण में कि कोई हमें समीकरण दे देगा, कहेगा इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड करने का जैसे सिंपल हमारा इनका गुणनखंड हुआ है इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे, या फिर पूछेगा समीकरण का हल ज्ञात करिए। तो समीकरण का जब हल ज्ञात करने की बात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे समीकरण में x या y जो भी हमारे चर वैल्यू होंगे, जैसे x हो गया y हो गया, इस तरह से जो चर वैल्यू होंगे उनका क्या करेंगे, हमें मान निकालना रहेगा। चलिए देखते हैं आगे। और दूसरा टाइप हमारा था a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में रहेगा, और इस फॉर्म में हम क्या करेंगे समीकरण का गुणनखंड करेंगे या फिर समीकरण में x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं इनके। देखिए हमारे पास जो तीन क्वेश्चन हैं हमारे, ये हमारा पहला फॉर्मूला बेस्ड पे रहेगा। जैसे हम लोगों ने पहले बताया आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, उस तरह से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें समीकरण पहले ध्यान देना होगा इस तरह से क्वेश्चन पर कि क्या समीकरण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और या फिर प्लस टू ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे पहला इक्वेशन हमारा है, इसमें देखिए 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर और यहाँ पर 25 है और फिर प्लस में है 30x, 9x स्क्वायर देखिए 3x का होल स्क्वायर बन रहा है, 9x स्क्वायर जो बन रहा है 3x का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस जो 25 है ये क्या है 5 का होल स्क्वायर है। अब देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर बन रहा है, अब हमें इसे तोड़ के देखेंगे क्या इससे तुलना करेंगे, अगर तुलना हो रहा है तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं हो रहा है तो हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे। चलिए तोड़ के देखते हैं, हमारा 2ab होता है 2 इंटू a, हमने देखा 3x है और b हमारा 5 है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 30x हो रहा है, तो ये क्या है 2ab के फॉर्म में है, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण का गुणनखंड जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऐसे समीकरण मिलते हैं जिसमें हमें पूछ लेगा दिया गया द्विघात समीकरण का वर्ग बनाइए या दिया गया द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण के रूप में बदलिए, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बाई 4, अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर के रूप में हो गया x स्क्वायर प्लस 3x को अभी रहने दें, पहले इसको देख लें क्योंकि हम लोग जानते हैं समीकरण में कोई भी चिन्ह के साथ आगे पीछे करते हैं तो इसमें समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 9 बटे 4 इसे 3 बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब इसे देखते हैं 2ab के फॉर्म में अगर हम करेंगे तो क्या 3x आएगा, यदि आएगा तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में बनेगा, ये 2 गुणे
ए हो गया एक्स और बी हो गया 3/2 गुणे 3/2। देखिए इसे काटने पर ये वापस से 3x के फॉर्म में आ जा रहा है, इसलिए ये समीकरण बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या था, x है और b है 3/2, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया दूसरे समीकरण का हल। और तीसरा समीकरण देखते हैं, तीसरा समीकरण हमारा है y स्क्वायर माइनस 16 है। हमारा तीसरा था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पहले बदलेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है ही, हमें 16 को बदलना है बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 16 हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसे हम समीकरण की से हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के आधार पर इसे रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए का मान हो गया वाई और बी का मान हो गया 4। अब इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस 4 और वाई माइनस 4। यदि हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ कि गुणनखंड करिए, तो हमारा उत्तर यहीं तक होगा। अगर पूछा गया समीकरण का हल ज्ञात करिए, यदि पूछा गया इतना बराबर आपको 0 दे दिया गया, पूछ लिया गया समीकरण का हल ज्ञात करें, तो हम गुणनखंड करने के बाद दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। इनके y के दो मान आएंगे, जैसे y प्लस 4 बराबर वाई प्लस 4 बराबर 0 होगा पहले कंडीशन में, ये हो जाएगा y बराबर पक्षांतर करेंगे, प्लस 4 है पक्षांतर होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा माइनस 4। और दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरे कंडीशन में है y माइनस 4 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो y बराबर यहाँ माइनस 4 था, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 4 में हो जाएगा, तो y बराबर 4। तो देखिए y का दो मान आया, y बराबर माइनस 4 और y बराबर प्लस 4। इस तरह से ये समीकरण का हल हो गया। अगर सिर्फ पूछा जाए कि समीकरण दिया गया है उसके बाद पूछा जाए क्या गुणनखंड करिए, तो हमारा यहीं तक उत्तर होगा। यदि पूछा जाए समीकरण का हल ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे, जो हमारे अचर पद हैं चर पद का मान निकालेंगे, दो अलग अलग मान आएंगे। चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगला है जैसे अगला जो हमारे इक्वेशंस हैं द्विघात समीकरण, ये हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। हमारे जो इक्वेशंस हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हैं, इनमें हमें क्या करना है, जो बीच वाले पद हैं b को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा b आए और गुणा करने पर जो a और c के गुणनफल के बराबर हो। इसमें ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि कुछ चीज़ें जो आप लोग पहले जानते होंगे उसी को एक बार दोहरा रहे हैं। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, और प्लस प्लस का गुणा तो प्लस ही होगा। ये चिन्ह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर सभी प्लस हैं तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ देखा जाए यहाँ माइनस है, तो हमें इन बीच वाले चीज़ों को या बीच वाला जहाँ b का मान है इसको तोड़ने में ये मदद मिलेगी, हमें कहाँ पर माइनस का यूज करना है कहाँ पर प्लस का यूज करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए, पहला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब यहाँ 2 और 5 का गुणा होगा, 2 और 5 का गुणा करना है, खाली अपने मन में ही गुणा करना है, ऐसा नहीं यहाँ गुणा करके लिखना है, 2 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए 2 और 5 का गुणा करने पर होगा 10। अब हमें बीच वाले पद को यानी b जहाँ पर है bx, यहाँ बीच वाले पद को b के मान पर यहाँ पर है 7, तो 7 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसे तोड़ेंगे 5 और 2 के फॉर्म में। देखिए 5 और 2 यही सेम चीज़, 2 और अगर 5 के फॉर्म में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7, यानी जोड़ने घटाने पर ये b के मान की तरह आया, और इसी का गुणा कर देंगे तो जो आया ये बराबर हो गया a
और सी के गुणनफल के, यानी यहाँ पर ए, ये मान ए की जगह पर है ए और ये मान सी है, तो इसे सी यानी गुणा करने पर आया 10 और जोड़ने घटाने पर आया बी के मान। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे 2x² प्लस 5 × 2x प्लस 7। अब ये ब्रेकआउट ओपन कर लेंगे, 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए दो दो का हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दो दो में से। जैसे इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, पहले ये देखेंगे, यहाँ पर 2x² है प्लस 5x है, 2 और 5 दोनों एक तरह से अभाज्य संख्या है, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों में देखिए एक में x² है दूसरे में x है, इसलिए यहाँ पर x कॉमन मिल जाएगा, हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा 2x प्लस 5 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, जहाँ कोई चीज़ कॉमन ना मिले वहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 2x प्लस 5, जो कॉमन है उसे पहले लिख लेंगे 2x प्लस 5 और यहाँ पर बचा x प्लस 1, यही हो गया इसका गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी सेम उसी तरह करना है, यहाँ पर एक ही जगह कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही जगह एक है, तो एक और 8 का गुणा होगा तो 8 ही होगा, और b की जगह तोड़ेंगे तो हम देखिए यहाँ पर 4 6 है, अगर इसे 4 और 2 के फॉर्म में तोड़ें 4 और 2 जोड़ने पर 6 हो जाएगा और 4 और 2 का गुणा करने पर 8 हो जाएगा, इसलिए इसे हम 4 और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ये हो गया x² प्लस 4 × 2x प्लस 8। अब यहाँ आगे हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब वही चीज़ यहाँ पर कॉमन लेंगे, दोनों में से सिर्फ x कॉमन मिल रहा है और कोई गिनती नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा। देखेंगे x यहाँ x² में से x कॉमन हो गया तो एक x बाहर आ गया, सिर्फ बचा x, और यहाँ 4x है, 4x में से x कॉमन हो जाएगा तो वहाँ बचेगा केवल 4। कॉमन लेने का मतलब उस संख्या में जो चीज़ कॉमन ली जाए उस चीज़ से भाग करना। अब यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर 8 है, कॉमन देखिए यहाँ पर 2 मिलेगा तो प्लस, वो भी प्लस 2 मिलेगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो प्लस लेंगे कॉमन प्लस 2। यहाँ पर 2x में 2 कॉमन होगा तो बचेगा x और 8 में से 2 कॉमन होगा तो बचेगा 4। कॉमन लेने का मतलब वही चीज़ आपसे बताया गया कि कॉमन लेने का मतलब हुआ भाग करना। अब यहाँ हो गया 4x प्लस 4 और यहाँ बचा x प्लस 2। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, कहने का मतलब एक ही जगह एक है, तो एक दूना एक ही रहेगा, 2 रहेगा, एक दूना 2। अब यहाँ 3 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पर ये पद आना चाहिए 2। अब यहाँ देखिए माइनस है तो इसे तोड़ेंगे -2 और -1 के फॉर्म में, -2 और -1 जुड़कर हो जाएगा -3 और -2 और -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2, जो कि इसकी तरह है, तो हम इसी फॉर्म में तोड़ देंगे इसे। ये हो गया x² 2 × 1 एक्स प्लस 2, x² -2x -x प्लस 2। यहाँ देखिए कॉमन मिलेगा x तो बचा x माइनस 2 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन हो गया तो बचा x माइनस 2, क्योंकि माइनस साइन यहाँ कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस x बचा और प्लस 2 में से -1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस बचेगा -2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लेंगे, बचेगा अंदर x माइनस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6। अब यहाँ देखिए 6 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है एक ही जगह, तो यहाँ पर 1 तो 6 कम 6 होगा लेकिन माइनस 6 आना चाहिए,
और जोड़ने या घटाने पर यहाँ आना चाहिए। बी की जगह कोई मान नहीं तो बी की जगह यहाँ पर एक है। तो देखिए तीन अगर दो में तोड़े, माइनस तीन और प्लस दो में तोड़े, यदि इसे देखिए माइनस तीन और प्लस दो में तोड़ते हैं तो माइनस तीन और प्लस दो का गुणा करेंगे तो माइनस छः हो जाएगा, और माइनस तीन और प्लस दो आपस में जोड़ेंगे घटेंगे तो हो जाएगा माइनस एक, जो कि दोनों जगह चिन्हों का मान सही आ रहा है इसलिए हम इसे माइनस तीन और प्लस दो में ही तोड़ेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस दो एक्स माइनस छः, आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो एक्स, क्योंकि माइनस बाहर है माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और लास्ट पे माइनस छः। यहाँ देखिए एक्स कौन मिल रहा है, एक्स निकाल लेंगे बाहर, बचेगा एक्स माइनस थ्री, और इन दोनों में देखिए दो कॉमन मिल रहा है क्योंकि दो एक्स है और छः है, तो यहाँ पर प्लस दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स, और छः में से दो कॉमन हो गया बचेगा तीन। ये आगे आ जाएगा एक्स माइनस तीन, और जो बचेगा उसे लिख लेंगे, बचा हमारा एक्स प्लस दो, ये इनका गुणनखंड हो गया। अगर इसी जगह आगे पूछा जाता समीकरण का हल पूछा जाता, इस तरह समीकरण दे देता, कहता का हल ज्ञात करें। यदि इसका हल पूछा जाता तो हम इसी इक्वेशन को बराबर करके जीरो लिख देते। अब आगे यहाँ देखिए इसका, तो हो जाएगा ये एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर हो जाता पछांतर होकर प्लस तीन, और दूसरी कंडीशन में एक्स प्लस दो बराबर जीरो तो पछांतर होगा तो होता, तो ये हो जाता एक्स बराबर प्लस दो है उधर जाएगा माइनस दो। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समीकरण पूछ रहा है खाली, गुणनखंड करने के लिए समीकरण दे के पूछा जाए गुणनखंड करें, तो आप यहीं तक इसे रोक दीजिएगा, और यदि पूछा जाए समीकरण का हल ज्ञात करिए, हो सकता है डायरेक्ट आपसे ना पूछा जाए एक्स का मान बताइए, यदि पूछा जाए समीकरण का हल ज्ञात करिए तो आपको एक्स का मान निकालना होगा। यदि आप एक्स का मान नहीं निकालते तो आपका जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहेंगे या अधूरा रहेगा, जिसके नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए समीकरण का हल जब भी कहा जाए तो उनके दोनों के अलग अलग मान जो आएंगे वो निकालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ 13 लाना है हमें तो 12 और 1 में तोड़ेंगे तो 12 और 1 का गुणा हो जाएगा 12 और 1 का गुणा हो जाएगा 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, जो कि दोनों का पालन कर रहा है, तो इसलिए प्लस 12 और प्लस 1 में से तोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 1 प्लस 4। अब देखिए गुणा करने इसे जोड़ने पर हो जाएगा 13, और इनका अगर गुणा करेंगे 4 और 1 का तो यही आ जाएगा हमारा 4 × 12। आगे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x फिर प्लस एक्स प्लस 4। इन दोनों में देखिए यहाँ 3 गिनती भी मिल रही है क्योंकि 3 के परिणाम 12 भी आता है, और दोनों में x है तो x भी मिल रहा है, इसलिए 3x कॉमन होगा यहाँ पर 3x, बचेगा यहाँ पर सिर्फ x और यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिला तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, और जो बचेगा अंदर वो हम लिख देंगे ब्रेकेट बनाकर। अगली लाइन में जो कॉमन है उसे बाहर लिख लेंगे, x प्लस 4 दोनों में है इसलिए इसे बाहर लिख लेंगे, और जो बच रहा है वो अंदर छोड़ देंगे, तो बचा हमारा 3x प्लस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड, ये था आपका अगला टाइप। चलिए अगला टाइप देखते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिया जाएगा। चलिए आपका दो टाइप पूरा हो गया, आपका अगला एक टाइप जो बच रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, उसे अगली क्लास में देखेंगे।